गाइस, राइट नाउ वी आर एट अश्वेम बीच, मोस्ट पीसफुल बीच इन गोवा। और यहाँ पर ज़्यादा कोई रहता भी नहीं है, आप देख लीजिए। ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे क्रैब्स, छोटे छोटे पिल्ले हैं जिन पर मेरा पैर जा रहा है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि फॉरेनर लोग हैं जो योगा कर रहे हैं एंड शायद मेडिटेशन कर रहे हैं। मैंने सुना है कि ये जो बीच है, रैम्बल हुआ, अश्वेम बीच हुआ, ये सारे बीच इनफैक्ट मेडिटेशन या फिर इसे फॉरेनर बीच कहते हैं। यहाँ पे आपको इंडियंस लोग ज़्यादा नज़र नहीं आते एंड बड़े ही रोमांटिक बीच है। इसे मोस्ट आइसोलेटेड बीच भी आप कह सकते हो। फैक्ट ऐसा लग रहा है कि बस ये बीच हमारे लिए बना है। और पानी भी एकदम क्लीन है, पानी भी क्लीन है। इनफैक्ट यहाँ पे कोई आता क्यों नहीं है पता है? जस्ट बिकॉज कि टूरिज्म पर्सपेक्टिव से इस बीच के यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है। अगर आपके पास ओन व्हीकल्स हो तो आप आ सकते हो। वेल गाइज, राइट नाउ वी आर एट केरी बीच। ये बीच भी काफ़ी पीसफुल बीच है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो यह आइसोलेटेड बीच है, यहाँ पर भी ज़्यादा पब्लिक नहीं है और जो भी है वो सारे के सारे फॉरेनर दिख रहे हैं मुझे जो इस साइड है। बहुत अच्छा प्लेस है ये कपल के लिए, शांति है, रोमांटिक है एंड देख लीजिए आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए कितना अच्छा प्लेस है ये। एंड वहाँ पे तुम्हें दिखाई नहीं सकता, वहाँ पे सब एक्सपोजिव तरीके से फॉरेनर है तो उनका चलते हैं। चलो चलो I'll be here waiting, I'll be here.